आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। जिस चाकू से भाई भाभी की थी हत्या, उसी चाकू से हत्यारे ने चलती बुलेरो में टोंटो थाना के दो पुलिस कर्मियों को मारी बुझाली। एक घायल आरक्षी को जमशेदपुर टीएमएच किया गया रेफर, तो हवलदार का चल लगा गया चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज। लापरवाही बरतने के आरोप में टोंटो थाना प्रभारी के विरुद्ध एसडीपीओ ने दी रिपोर्ट एसपी को। पुलिस कप्तान घायलों से मिले, हत्यारा से लोहा लेने वाले घायल जवान होंगे पुरस्कृत। लापरवाह थाने प्रभारी पर गिरी गाज, हुआ निलंबित। चाईबासा टोंटो वाले मामले को घोर लापरवाही पाए जाने पर एसडीपीओ जगन्नाथपुर की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी एसआई अनिल कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। दोनों घायल जवानों को इलाज किया गया है, दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। सिपाही परितोष महतो से एसपी चाईबासा स्वयं जाकर टीएमएच में भेंट किए तथा उसका समुचित इलाज सुनिश्चित किया गया है। अभियुक्त चंदन लागुरी के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, साथ ही उसे जेल में एहतियातन सेल में रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले की सूचना पर जगन्नाथपुर एसडीपीओ प्रदीप ओराव, सदर एसडीपीओ अमर कुमार पांडे सहित सदर थाना के पुलिस पदाधिकारी भी घायल जवानों का हाल लेने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे। अजित सिंह की रिपोर्ट।